हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज मैं आपको नीट 2020 से रिलेटेड बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, आप सब जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो है नीट का रिज़ल्ट। दोस्तों, कल 12 अक्टूबर यानी सोमवार को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। दोस्तों, ये आज नीट फाइनल आंसर की आपको मालूम है 5 अक्टूबर को OMR शीट जारी की गई थी और फाइनल आंसर की भी आ गई है। तो प्रतिक्रियाओं को चुनौती देने के लिए एक विकल्प भी आपको दिया गया था। इन सबको देखते हुए नीट अपना NTA जो है अपना रिज़ल्ट नीट का 12 अक्टूबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट NTANEET.NIC.IN या फिर MCC.NIC.IN पर घोषित करेगा। दोस्तों, सोमवार को रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, आपको अपनी कट ऑफ, मेरिट सब कुछ पता चल जाएगी। दोस्तों, कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि शोएब आफ्ताब के 720 में 720 नंबर आए हैं। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब की अगर पहली रैंक उसकी पाने वाले को इतने हाई नंबर मिले हैं तो कट ऑफ कितना हाई जाएगा। आप मान के चलिए 630 के ऊपर ही जाएगा कट ऑफ। तो दोस्तों, आपने अपने नंबर कैलकुलेट ही कर लिए होंगे और अपनी रैंक भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हिसाब से आपको किस मेडिकल कॉलेज में कहां पर दाखिला मिलेगा। ये सारे कन्फ्यूज़न कल आपके क्लियर हो जाएंगे। नीट का जो मेरिट लिस्ट है वो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार तैयार की जाएगी। जो प्रवेश प्रक्रिया है वो नीट मेडिकल मेरिट लिस्ट 2020, नीट डेंटल मेरिट लिस्ट 2020 के अनुसार शुरू की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले की ऊपर की रैंकों को MBBS की सीटें दी जाती हैं, फिर डेंटल कॉलेज मिलते हैं BDS और उसके बाद BAMS और BHMS की सीटें होती हैं। तो दोस्तों, आपका डॉक्टर बनने का सपना ज़रूर साकार होगा। आपकी जैसी रैंक है उस हिसाब से आपको कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको पैनिक होने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने रिज़ल्ट के लिए सारी तैयारियाँ पूरी रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखिए, क्योंकि रिज़ल्ट के तुरंत बाद NTA काउंसलिंग शुरू कर देगा। क्योंकि ये न्यूज़ मैं आपको बराबर बता रही हूँ, जिस हिसाब से डिले हो चुका है पहले ही रिज़ल्ट में, तो NTA अब जो है डिले नहीं करेगा काउंसलिंग में। दोस्तों, आप अपने आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि आपको रिज़ल्ट अपना कैसे चेक करना है और काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये सब आप तैयारी अपनी कर रखिए। दोस्तों, दूसरी चीज़, मेरे पास बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे आए हैं और उस पे भी, फेसबुक पे भी, कि बहुत से लोग परेशान हो गए हैं कल की न्यूज़ को पढ़ के कि शोएब आफ्ताब के 720 नंबर आ गए तब मेरा क्या होगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उस बच्चे की, उसकी अपनी मेहनत थी, उसने अपना मेहनत किया था, उसको अपने अपने मार्क्स मिले हैं और उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। लेकिन दोस्तों, आपने भी जो मेहनत की है तो आपकी मेहनत भी सफल होगी। अगर आपने मेहनत की है तो आपको भी 720 में 720 नंबर मिल सकते हैं, या आपने अगर उससे कम मेहनत की है तो उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आपका बाई चांस आपको लगता है कि मेरे नंबर बहुत कम है, मुझे MBBS नहीं मिलेगा, तो दोस्तों उसके लिए कई ऑप्शन हैं। वो मैं आपको रिज़ल्ट निकलने के बाद एक एक करके बताती जाऊंगी कि किस कॉलेज में कितनी रैंक पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपना दिमाग एकदम कूल रखिए और रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए। रिज़ल्ट आने के बाद सारे आपके जो मन में शंकाएं हैं, मन में कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो जाएंगे। और जिन, और अगर आपको तैयारी के लिए फिर से तैयारी करनी है तो आप फिर से तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बाद काउंसलिंग में मौका आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना नहीं भूलिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू।